भाई साहब बस्तर द नक्सल स्टोरी मूवी आ चुकी है जिसे देख लिया गया है और रिव्यू करेंगे, लेकिन रिव्यू करने से पहले हिस्ट्री पर एक बार नजर मारते हैं। 2010 में छत्तीसगढ़ के बस्तर नाम की जगह में एक ऐसी घटना घटी थी जहां पर 76 सीआरपीएफ जवानों को ब्रूटैलिटी बहुत गंदी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया था नक्सलवादियों के द्वारा, जो लोकल आतंकवाद संगठन है छत्तीसगढ़ का। और यहीं से कहानी शुरू होती है और इसी के आसपास पूरी स्टोरी आपकी घूमती रहती है। ऑल इंट्रो की कैसे नक्सल पैदा हुए, क्या इनकी मांग है, ये कैसे पनपे हैं, क्यों ये ऐसा करते हैं, और बाहर के आतंकवाद संगठन ISIS संगठन हो गए या और भी कोई हो गया, इनसे भी ज्यादा खूंखार ये अपने इंडियन टेरिटरी में रहकर ये इतने खूंखार कैसे हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे ऑनेस्टली विदाउट एनी स्पॉइल। मतलब स्पॉइलर यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मूवी अगर देखनी है तो क्यों नहीं क्यों देखनी है, और देखनी नहीं है तो क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि ऐसे टाइम पर इतना खोल के दिखाना फिलहाल बहुत टाइम से देखा भी नहीं था। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सपोर्ट और भाई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लगातार बना रहता है। और भी ज़्यादा डिग आउट करके इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला के बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने का बहुत बेहतरीन मौका हमारे अंदर जनरेट होता है। तो शुरुआत करते हैं, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, रुचि है, और उससे भी ज़्यादा इसमें रुचि है कि पॉलिटिक्स की कितनी बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाए, तो भाई ये मूवी आपके लिए है। सब कुछ खोल के दिखाया है विदाउट एनी हेजिटेशन कि क्या किसी को कुछ फर्क पड़ेगा। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की बुरी तरीके से ले रखी है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी ले रखी है, मतलब पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा रखी है यहाँ पे। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई भी झिझक नहीं, जो है सो है, एज इट इज दिखाने की कोशिश करी है, और यही इसका बेस्ट पार्ट है। अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा फोकस कर रखा है, बाहर की कोई भी चीज़ों पर इतना कोई फोकस नहीं कर रखा है, शुगर कोटिंग पे इतना कोई ध्यान नहीं दिया है। ब्रूटैलिटी जिस हिसाब से ये लोग अपने स्क्रीन प्ले में यानी अपनी मूवीज में ला सकते थे वो लेके आए हैं, हाथ काटना, गला काटना, और भी ज्यादा ब्रूटल सीन्स, वो छोटी बच्ची को आग में फेंकना, भाई रू कांप जाएगी आपकी, एक बार के लिए इतना इमोशन जनरेट हो जाएगा कि यार ऐसा भी हो रहा है क्या, मतलब अपने ही इंडिया में ऐसा हो रहा है क्या, एक ऐसे छोटी सी जगह में जहाँ पर भाई वो पहले से ही डेवलप नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी ब्रुटैलिटी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा और खोल के देखने को मिलेगा। दूसरा, अधिकतर पार्ट पे ये फोकस करा गया है कि नक्सल्स हेट क्यों करते हैं इतना इंडियन थिंग्स पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी चीज़ें होंगे वो हेट करना ही करना है, चाहे वो चीज़ उनके फायदे के लिए ही क्यों ना हो। और सबसे ज़्यादा मिलिट्री में यानी अपनी सीआरपीएफ जो वहाँ पर पूरी तैनात है, तो भाई पंगा उन्हीं से चलता रहता है उनका, कैसे वो स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं उन्हें मारने के लिए, ये सारी चीज़ें। 76 जवान को बुरी तरीके से मारा गया था, भाई चिथड़े भी नसीब नहीं हुए थे। दूसरा भाई, ये मूवी ना उस तबके को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जिसे डार्क निगेटिव चीज़ें, मतलब ये वाला सिनेमा देखने को पसंद है। एनिमल मूवी अगर आपने देखी है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, क्योंकि वायलेंस भाई कोई लिमिट होती है क्या वायलेंस की? नहीं होती है, वो यहाँ आपको देखने को मिली, क्योंकि बहुत सी जगह पर क्या होता है कि फिल्टर्स के साथ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ कोई फिल्टर नहीं है। ट्रेलर में कुछ नहीं था भाई, ट्रेलर में 10-15% ही देखने को मिलेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप मूवी में देखोगे आपके हिल जाओगे। पर ऐसा नहीं कि मूवी में निगेटिव्स नहीं है, भाई मूवी में निगेटिव्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, जिस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वो बेस्ट पार्ट है इसका। निगेटिव्स की अगर बात करें तो सिनेमेटोग्राफी में, टेक्निकल सिनेमेटोग्राफी में भाई ये द केरला स्टोरी के मेकर्स हैं, जिन्होंने लगभग 300 करोड़ के आसपास बिजनेस किया था। वहाँ की अपार सफलता के बाद भाई यहाँ ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना कलर ग्रेडिंग में, क्योंकि वो एक उस समय का जमाना था भाई जो हमें फील करा के आना था, ब्राइटनेस की कमी थी, बहुत कुछ, तो टेक्निकलिटी में भाई उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। दूसरा, कहानी को इतनी ऐसे प्रेजेंट करा गया है कि हड़बड़ी फास्ट एंड फास्ट तरीके से सब कुछ दिखाया गया है, मतलब प्लॉटिंग का जो सीन था, प्लॉटिंग जो लेयर बाय लेयर ऊपर बढ़ती है स्टेप टू स्टेप, वो कनेक्शन देखने को नहीं मिला। कुछ चीज़ें ऐसे निकल के जाएंगी आपके ऊपर से, ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। दूसरा, एक्टिंग का पोर्शन भी बहुत ढीला ढाला नजर आया। आदा शर्मा जो अपनी मेन लीड पर है, बहुत जगह ऐसा लगा कि भाई एफर्ट मार रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी के टाइम पर खासकर गन कॉम्बैट सीन में भी ऐसा लगा कि थोड़ा एफर्ट चल, मतलब नेचुरल वो चीज़ हिट करके नहीं गई है। बाकी मूवी दमदार है, और ऐसे रियल सिनेमा को देखने का अगर आपको शौक है तो जाओ देखो, वन टाइम वॉचेबल है। भाई दैट्स माय रिव्यू ऑनेस्टली, बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बस इसी कमी है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।